हबीबगंज आज अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। साइंटिस्ट के कई सालों की मेहनत का नतीजा है ये। ये सैटेलाइट जमीन में छुपे सब न्यूट्रेनियम पदार्थ को ढूंढ लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सैटेलाइट न्यूट्रेनियम मेटल नहीं ढूंढ पाएगा। न्यूट्रेनियम मेटल की खान हमारे पहाड़ों के आसपास है और मेटल मैं निकाल रहा हूँ। मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। टिम्बक्टू! यस बॉस, बोलिए। जाओ और देखो, ये सैटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक स्पेस शटल बनाया है, उसमें जाओ और उस सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन जाम कर दो। बॉस, वो फुर्सतगंज का सैटेलाइट है, रोबो बॉय जरूर उसका प्रोटेक्शन करेगा। उनका सैटेलाइट तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अपने शटल के बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। उल्लू की तुम, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एस्ट्रोबॉट! एस्ट्रोबॉट, मेरी स्पेस शटल में जाओ और फुर्सतगंज के सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो। अगर वीर द रोबो बॉय रास्ते में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ओके बॉस। ही इज सुपर डुपर डेंजरस बॉस। अब ये फुर्सतगंज के सैटेलाइट को रोकेगा। ये स्पेस के लिए बनाया गया खास रोबोट है। जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। वीर इमली, देखो फुर्सतगंज का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। वीर, सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? सैटेलाइट के पीछे रॉकेट लगा होता है, वही रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। रॉकेट की क्या जरूरत थी, मैं तो ऐसे ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूँ। जिंटू, ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है, इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारे जादू से सैटेलाइट ऊपर गया तो कहाँ पहुँचेगा ये किसी को नहीं पता। तुम तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो, मैं जा रहा हूँ। बच्चों देखो, अब बस थोड़ी ही देर में सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। ये ऊपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए न्यूट्रेनियम नाम का खास मिनरल ढूंढ लेगा, जिसमें प्लैटिनम और यूरेनियम से ज्यादा पावर होती है। ओके जेंटलमैन, 5 seconds टू गो। 5, 4, 3, 2, 1। अब रॉकेट का इंजन जाम हो जाएगा और सैटेलाइट कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। अरे ये क्या, लगता है रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और ये सैटेलाइट कभी भी क्रैश हो सकता है। इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और सैटेलाइट नीचे गिर रहा है। फुर्सतगंज में जहाँ भी गिरेगा वहाँ ब्लास्ट होके बहुत नुकसान होने की संभावना है। साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत बेकार हो गई। डोंट वरी दादाजी, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। हमेशा की तरह आसमान में रोबो बॉय मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आ गया है। क्या वो रॉकेट को रोक पाएगा? खत्म कर दो। ओके बॉस।
ये कौन है जो रोबो बॉय को रोकने की कोशिश कर रहा है? सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है, उसने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया है। दादाजी मेरी बैटरी लो हो रही है। वीर किसी भी सैटेलाइट पे जाके चार्ज कर लो जल्दी। हाथ का बैटरी कनेक्टिंग वायर टूट के अलग हो गया है। वीर होश में आओ, अपना वायर जोड़ो, कोशिश करो। ग्रीन लिक्विड इस बॉक्स में भर जाएगी, तुम हमेशा के लिए लिक्विड फ्रीज हो जाओगे। उठो। चिंटू को बुलाओ। चिंटू सिर्फ वीर की चुटकी बजाने से ही आता है। ये ग्रीन लिक्विड बहुत खतरनाक है, ये वीर को फ्रीज कर देगा। वीर का बैटरी कनेक्टिंग वायर जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक रास्ता है, वो लिक्विड जैसे ही उन टूटे वायर्स को टच करेगा वायर कनेक्ट हो जाएगा और कुछ देर के लिए वीर को होश आ जाएगा, क्योंकि बैटरी करंट फ्लो पूरा हो जाएगा। लिक्विड आने तक इंतजार करना होगा। वीर अपने हाथ के बैटरी कनेक्टिंग वायर को जोड़ो जल्दी और उस बॉक्स से बाहर आओ, वरना फ्रीज हो जाओगे। वीर, उस रोबोट ने सैटेलाइट में बॉम्ब फिक्स किया है, जल्दी जाओ उसे निकालो, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। नहीं, एस्ट्रोबोट, आज वीर बचना नहीं चाहिए।